दोस्तों YouTube या Facebook से पैसे कमाना बहुत ही आसान है। शर्त सिर्फ इतना है कि आपको पैसे कमाने का जो तरीका है वो आना चाहिए। जिस तरीके से आप इजीली पैसे कमा सकते हो वो तरीका आपको आना चाहिए। नॉर्मली सभी लोग क्या करते हैं, वो एक टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं एंड उसी वीडियो को अपलोड कर देते हैं YouTube के ऊपर या Facebook के ऊपर। एंड यही रीजन है कि क्योंकि वो टॉपिक जो है वो सबको पता है, उस टॉपिक पर अब लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा। उस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं, सबने सब वीडियोज देख लिए, जितना जानना था उतना जान लिया है। लेकिन क्योंकि आप सिंपल उसी टॉपिक को रिपीट करते रहते हो, बार बार उसी टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हो, तो जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनको अब उस टॉपिक से इंटरेस्ट हट रहा है। क्योंकि दोस्तों जो टॉपिक आपको पता है, जिस टॉपिक पर हम नॉर्मली वीडियोस बनाते हैं, वो कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही हैं। चाहे आप यूट्यूब की बात करो, चाहे आप फेसबुक की बात करो, वो अगर फेसबुक पर आओगे, क्योंकि आज का वीडियो फेसबुक रिलेटेड होने वाला है, तो फेसबुक की ही बात करते हैं। फेसबुक पर आप क्या अपलोड करते हो? नॉर्मली मूवी क्लिप अपलोड करते हो, कॉमेडी सीन्स अपलोड करते हो, इस तरह की कुछ चीजें वो आप फेसबुक पे अपलोड कर देते हो। एंड ये तरीका है फेसबुक पर वीडियो वायरल करने का। इससे वीडियोस काफी जल्दी वायरल भी होती है, इससे व्यूज भी आते हैं, ये आपको लगता है। लेकिन जब आप इसको करने जाते हो तो आप देखते हो कि नहीं, इस टॉपिक पर तो वीडियो वायरल ही नहीं हो रहा है, इस टॉपिक पर तो व्यूज ही नहीं आ रहे। थोड़े बहुत व्यूज आ भी रहे तो अर्निंग नहीं हो रहा है, पेजेस डिमोनेटाइज हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि दोस्तों आज की डेट में आप अगर देखोगे तो सभी इसी टॉपिक के ऊपर पड़े हैं, मतलब सभी इसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं। फेसबुक पर मूवी अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पर कोई रियलिटी शो अपलोड कर दे रहे हैं, कोई टीवी शो अपलोड कर दे रहे हैं, या कोई कॉमेडी शो अपलोड कर दे रहे हैं। मतलब जो कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो, आपसे पहले आपके बाद उसी कंटेंट को हजारों लाखों लोग अपलोड कर रहे हैं। यही रीजन है कि आपके उस कंटेंट को व्यू नहीं मिलता, उस कंटेंट से आप अर्निंग नहीं करते हो। लेकिन वही अगर आपका टॉपिक कुछ अलग हो, कुछ यूनिक हो, थोड़ा हटके हो, तो वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको वहां पर व्यूज आ जाएंगे। क्योंकि अब फेसबुक भी चाहेगा कि हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म पर जो नए टॉपिक है, जो नए कंटेंट है, उनको बूस्ट दिया जाए। ऑडियंस को भी चाहिए होगा कि यार इतने दिनों से सेम ही चीज तो देखते आ रहे, कुछ अलग देखा जाए। तो जाहिर सी बात है, तब उस टाइम पर जब आप कुछ अलग अपलोड करोगे तो वहां पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कुछ अलग मिलेगा। एंड क्योंकि उस टॉपिक के बारे में ज्यादातर लोगों को फेसबुक पर पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि किसी और के कंटेंट से आपका कंटेंट मैच करने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अब इससे प्रॉफिट क्या होता है? इससे प्रॉफिट होता है दोस्तों, वो जो अनओरिजिनल कंटेंट, जो लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट आता है, वो यहां पर नहीं आता है। क्योंकि वो सारी चीजें कब आता है? जब किसी और के कंटेंट से आपका कंटेंट मैच कर जाता है कि भाई ये तो उसने भी अपलोड किया, ये तूने भी अपलोड किया, तो ये तेरा वाला जो है तूने बाद में अपलोड किया, तो ये तेरा वाला दोस्त अनओरिजिनल कंटेंट है, ये फेसबुक बताता है। लेकिन यहां पर अगर आप ऐसे किसी कंटेंट पे काम करोगे जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया, या किया भी है तो बहुत कम लोगों ने किया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपको जो रीच देखने को मिलेगा, वहां पर आपको जो व्यूज देखने को मिलेगा, वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको जो अर्निंग देखने को मिलेगा वो भी नॉर्मल से बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि उस कंटेंट पर किसी और ने काम ही नहीं किया। एंड अगर बात करें मोनेटाइजेशन की, तो आपको मोनेटाइजेशन भी इजिली मिल जाएगा, क्विकली मिल जाएगा। इसका भी रीजन सेम है दोस्तों, कि आपका जो कंटेंट है वो किसी और से मैच ही नहीं होगा, आपका कंटेंट बिल्कुल अलग होगा, आपका कंटेंट खुद का होगा। इससे क्या होगा, अनओरिजिनल कंटेंट, लिमिटेड ओरिजिनल टफ कंटेंट, जिन चीज की हम बात करते हैं वो तो आपके वीडियोस पर होगा ही नहीं, साथ में व्यूज भी ज्यादा आएंगे। एंड जाहिर सी बात है, अगर आपके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर व्यूज भी ज्यादा आ रहे हैं, मतलब आपको वहां पर मोनेटाइजेशन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोनेटाइजेशन लेने के बाद जो अर्निंग की बात करें वो भी इजिली हो जाता है, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना तो कोई स्ट्राइक आता है, ना तो क्लेम आता है, ना तो अनओरिजिनल कंटेंट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको कॉपी पेस्ट करके अर्निंग करनी है तो ऐसे जरिए से अर्निंग करनी है, जहां पर इजीली आपका कंटेंट जो है वो पकड़ा ना जाए, जहां पर फेसबुक ये समझ ना पाए कि आप जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो वो दूसरे किसी कंटेंट अपलोड कर रहे हो, मतलब किसी दूसरे का कंटेंट अपलोड कर रहे हो, आप कुछ और नहीं कर रहे हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो। तो इसी सिचुएशन पर जो है मेरा ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक्चुअल में अदर्स जो वीडियोज है वो भी इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज है, उनमें भी मैंने यूनिक आइडियाज ही शेयर की थी। एंड यहां पर जो आइडिया है वो मैं पहली बार शेयर कर रहा हूं, शायद ये आइडिया आपको YouTube के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, किसी और ने मुझसे पहले ये वाला आइडिया शेयर नहीं किया। हालांकि जितने भी वीडियोस आप देखोगे, ज्यादातर वीडियोस आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनमें मैंने ही वो वाला आइडिया पहले बनाया था, उसके बाद काफी सारे कॉपीज उसके निकले हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी ये वाला कंटेंट आप जब देख रहे हो तो बिल्कुल फ्रेश कंटेंट देख रहे हो, अभी तक किसी ने कॉपी भी नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेरे वीडियोस को पहले देख रहे हैं वो पहले ही देख रहे हैं। एंड अगर आप भी उन पहले देखने वालों में से हो तो बिल्कुल देर
मत करो, जाओ इस कंटेंट में काम करना स्टार्ट कर दो। ऐसा तगड़ा कंटेंट लेकर आया हूँ, सोच मतलब देख कर चौंक जाओगे, ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो कंटेंट है ये सच में यूनिक है। हो सकता है आपने इसको पहले कभी देखा होगा लेकिन बनाने का बिल्कुल नहीं सोचा होगा। चलिए आपको लेके चलते हैं कंटेंट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हो, आप देख सकते हो कि ये जो वीडियो है ये अपलोड किया गया था 10 मई को, एंड आज के अगर मैं आपको डेट दिखाऊं तो देख लीजिए आज 21 मई, यानी कि इस वीडियो को अपलोड हुए सिर्फ और सिर्फ 11 दिन हुए हैं। एंड 11 दिन में इस वीडियो में अगर आप व्यूज देखोगे तो वो दोस्तों आपके सामने है, वो है 16 मिलियन व्यूज, मतलब 16 मिलियन व्यूज भाई को मिल चुका है सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों में, यानी कि इस वीडियो से उनको एक दिन में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आया है। मतलब अगर इस हिसाब से दिन के ये 3-4 वीडियोस अपलोड कर दे, 5 वीडियोस अपलोड कर दे, और सिर्फ 1-1 मिलियन व्यूज हर दिन हर एक वीडियो में आ जाए, बाकी दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक वीडियो में 1 मिलियन, यानी कि ये जो 16 मिलियन है इसको मैं 16 मिलियन नहीं, इसको मैं 1 मिलियन मान रहा हूं। तो सोच लीजिए इनका उस दिन जो है 5 दिन, अगर मतलब दिन के अगर 5 वीडियो अपलोड करोगे एवरेज अगर 5 मिलियन व्यूज आएगा तो आप सोच सकते हो अर्निंग कितना ज्यादा होगा। मान लेते हैं नॉर्मली जैसा फेसबुक में होता है 3-4-5 हजार डॉलर में, मतलब 5 हजार व्यूज में 1 डॉलर बन जाता है, तो मैं मैक्सिमम 5000 को ही पकड़ता हूं। अगर 5000 व्यूज का 1 डॉलर बनता है तो दोस्तों 50000 व्यूज का 10 बनेगा, 5 लाख व्यूज का 100 बनेगा, एंड उसके बाद 50 मिलियन मतलब 50 लाख व्यूज का 1000 डॉलर बनता है। 50 लाख व्यूज का मतलब जानते हो 5 मिलियन व्यूज, यानी कि हर दिन आपके 1000 डॉलर तक बन सकते हैं इसी कंटेंट से, इस तरह के कंटेंट से। अब 1000 डॉलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, 80 से 90 हजार रुपए हर दिन, मतलब अगर आप एवरेज 1 लाख निकालोगे महीने का 30 लाख आप इजीली अर्निंग कर सकते हो। अब गोली मारो उस 30 लाख को, 3 लाख भी अगर मान के चलो, 3 लाख अगर आप महीने का अर्निंग करते हो, 10 गुना कम कर दिया, तो वो कम है क्या एक कॉपी पेस्ट वाले कंटेंट से? इस तरह से दोस्तों ये लोग अर्निंग करते हैं, इस तरह से आप भी अर्निंग कर सकते हो। कंटेंट की अगर बात करें, इतना प्योर कंटेंट लाया हूं बिल्कुल इस पानी की तरह। जी हाँ, ये वाला जो कंटेंट है ये पानी से रिलेटेड है, ये बॉटल से रिलेटेड है। हालांकि मैं आपको बॉटल मतलब ये नहीं कहूंगा कि बोतलें बनाओ एंड बेचो, जी नहीं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने देखिए एक फैक्ट्री में गए हैं, एंड वहां पर उस फैक्ट्री में जाकर इन्होंने जो बोतल्स होती है वो कैसे बनती है, यहाँ पर देख लीजिए वाटर बॉटल मेकिंग, ये इनका टाइटल है, एंड यहाँ पर इन्होंने उसी चीज को दिखाया। अब क्या यहाँ पर यही भाई साहब फैक्ट्री में गए थे रिकॉर्ड करने? जी नहीं। एंड अगर गए भी थे तो भी आप इस चीज को कर सकते हो, घर बैठे फैक्ट्री वाला मजा आप घर में ले सकते हो। अब वो कैसे? वो दोस्तों सिंपल कॉपी पेस्ट से, हम यहां पर कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो कॉपी पेस्ट से ही सब कुछ दिखाने वाला हूं। कॉपी पेस्ट से आपको ऐसे वीडियोस बनाना सिखाऊंगा जहां पर फैक्ट्री मेकिंग जिसे कहता है, चाहे बॉटल कैसे बनता है, शैंपू कैसे बनता है, बिस्किट कैसे बनता है, कुछ भी हो आप वो घर बैठे बना सकते हो। उसके लिए आपको उस फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, जाकर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो दूसरों ने अपलोड किया उसको निकाल लेना है। अब ये कंटेंट फेसबुक पे यूनिक है, एंड इसके अलावा अगर बात करें मोनेटाइजेशन की तो फेसबुक क्या कहता है कि आपको उस वीडियो में कुछ यूनिक देना होगा, जो अगर किसी ने पहले भी उसको अपलोड किया है, वैसे तो किया नहीं होगा लेकिन अगर किया भी है तो आपको उस वीडियो में कुछ यूनिक देना होगा। तो दे रहा हूं ना, क्या यूनिक दे रहा हूं वो देखते रहिए, आपको सिखा दूंगा सब कुछ। तो चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो कहां से डाउनलोड करना है सबसे पहली चीज। एंड तो चलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ यूट्यूब पर, एंड मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ वाटर बॉटल मेकिंग, एंड यहाँ पर मेकिंग की अगर बात करें तो मेकिंग यहाँ पर ये रहा। अब देख लीजिए मेकिंग पर, ये देखिए इतने सारे वीडियोस बन रखे हैं, सब के सब इतने बड़े बड़े वीडियोस हैं, आप देख सकते हो कि किस तरह से फैक्ट्री में बनता है वो सारे के सारे वीडियोस आपको। ये देखिए ये वाला भी एक वीडियो है, ये वाला, इसमें भी आपको वही देखने को मिल रहा है कि फैक्ट्री में ये चीज़ कैसे बनती है। आपको जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई ये चीज़ कैसे बनता है, इसमें लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है, वही तो आपका कंटेंट है। उसी कंटेंट को उठाओ, उसी कंटेंट को डाउनलोड करो, और उसके बाद इनकी तरह से अपलोड करो। अब इन्होंने क्या किया, कैसे अपलोड किया, कैसे एडिटिंग किया, एडिटिंग का यहां पर झमेला ही नहीं है। एडिटिंग में आप सिर्फ फ्लिप कर दो वीडियो को, एंड थोड़ा सा स्पीड कम ज्यादा कर दो, उतना इनफ है। कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, या फिर अगर प्रोफेशनल एडिटिंग सीखना है तो मेरे बाकी वीडियोस को देख सकते हो, वहां पर मैंने सिखा रखा है। लेकिन अगर बात करें कि इस वीडियो में ज्यादा एडिटिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इन्होंने इसको कैसे बनाया, देखिए बैक टू फेसबुक, एंड मैं यहां पर प्ले करता हूं इसका ऑडियो, तो आप देख कैसे तैयार करके फिल किया जाता है। तो इस काम की शुरुआत के लिए सबसे पहले देखिए कैप्सूल्स लिए जाते हैं जिन्हें प्रीफॉर्म बोला जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने
मतलब किसी और का वीडियो लेकर उसमें वॉइस ओवर कर दिया है। आप भी ये चीज कर सकते हो, किसी और का वीडियो लो, वॉइस ओवर करो, उसको अपलोड कर दो फेसबुक के ऊपर। एंड अगर इनका ओरिजिनल भी है तो होने दो, इनके पास इनका जो चैनल है, इनका जो पेज है, इनका यूट्यूब में भी चैनल है, इनका फेसबुक में भी पेज है, तो इनके पास मतलब ये ऑप्शन अभी आ चुका है कि ये खुद फैक्ट्री में जाकर वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगा, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो यही बचता है कि आपको अब वीडियोस बनाने होंगे, कॉपी पेस्ट करके डाउनलोड करो, एडिट करो, वॉइस ओवर ऐड करो एंड अपलोड करो। एंड अगर बोलते हो कि मुझे वॉइस ओवर नहीं देना, मुझे शर्म वर्म आता है, तो देखो मेरे दोस्त, इतना शर्मा के काम करोगे तो अर्निंग जिंदगी में नहीं कर पाओगे। कम से कम वॉइस तो दो, क्या मतलब किसको क्या ही पता चलने वाला है कि वो वॉइस आपका है, वो वॉइस किसी और ने, मतलब मतलब समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स को, कि किसी को क्या पता चलेगा कि वो वॉइस किसका है। तो वॉइस जरूर दो, लेकिन फिर भी अगर कोई मतलब डाउट है कि नहीं वॉइस नहीं देना है तो नहीं देना है, मतलब जिद्दी हो तो एक काम कर सकते हो, एआई वॉइस ऐड कर सकते हो। अभी के टाइम तक फेसबुक एआई वॉइस से जो है मोनेटाइज करवा सकता है, फेसबुक मतलब मोनेटाइज कर रहा है, जो पेजेस एआई वॉइस का यूज कर रहे हैं वो भी मोनेटाइज हो रहा है, लेकिन पता नहीं कितने दिन होंगे क्योंकि यूट्यूब पर नहीं होता है। तो आप चाहो तो एआई वॉइस का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेफ रहना है तो बिल्कुल खुद का वॉइस दो एंड वहां पर आगे बढ़ो, बाकी आपकी मर्जी। मेरा ओपिनियन यही है कि खुद का वॉइस देकर काम करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपका ये कंटेंट बिल्कुल आपका बन जाएगा, आपका ओरिजिनल बन जाएगा, आपका खुद का बन जाएगा, कोई इशू कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इससे भी तगड़ा कंटेंट चाहिए, इससे भी ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, इससे भी ज्यादा व्यूज चाहिए, तो आप कार्टून या एनिमेशन बनाना सीख सकते हो, उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये सब मिलियंस के खेलते हैं, मतलब मिलियन में खेलते हैं, एंड कार्टून एनिमेशन बोले बिलियंस में खेलते हैं, उनको बिलियन में व्यूज आता है, लाखों में कमाते हैं, वो करोड़ों में कमाते हैं। तो आप उस कैटेगरी को भी ट्राई कर सकते हो। अगर सोच रहे हो कार्टून बनाना नहीं आता, एनिमेशन बनाना नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, कार्टून एनिमेशन बनाने का कोर्स मेरा जो है उसको ज्वाइन कर लो। अगर सिर्फ मोबाइल से बनाना चाहते हो ए टू जेड, तो मोबाइल 2D एनिमेशन कोर्स कर ले सकते हो जो मोबाइल से बनता है। अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर से बनाओगे तो 3D एनिमेशन कोर्स ज्वाइन कर लो, जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो, एंड वहां से फिर दबा के अर्निंग करो, क्विकली सीख जाओगे, काफी इजी प्रोसेस से मैंने आपको वहां पर सिखा रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर लेना कि कोर्स में क्या क्या है, वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल फ्री है, एंड कोर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल 95% डिस्काउंट पर अभी कोर्स चल रहा है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर थोड़ा सा टाइम फ्री हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर देना, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।